will see to it. Don't worry. ये कि डॉक्टर अरोड़ा होती कौन है मेरे डायग्नोसिस को रूल आउट करने वाली? भाई मैं उनका सीनियर हूं या वो मेरी सीनियर है? क्या बात है, पूरी टोली एक साथ? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हेलो मैट्रन। वो डॉक्टर रनावत ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। ओके। इट्स ओवरलोड। लगता है हम में से किसी एक को बाहर निकलना होगा। मैट्रन प्लीज इफ यू डोंट माइंड। श्योर, नो प्रॉब्लम डॉक्टर। डॉक्टर कपड़िया, मुझे कल सुबह सारी रिपोर्ट्स मेरे टेबल पर चाहिए। देखिए मिस्टर सिंह, आपकी सिस्टर के साथ जो भी हुआ उसके लिए हम सबको बहुत दुख है, पर आप इस तरह हुआ नहीं होगा, लेकिन अब मेरे नहीं, तुम सबके साथ। ये एक पुलिस वाले का केस है, सो इट्स रियली सेंसिटिव। चीफ का कॉल आया था, इससे पहले कि जनता में तनाव पैदा हो सरकार चाहती है कि ये केस सीबीआई हैंडल करे। केएन सेठी हॉस्पिटल की एक बंद लिफ्ट में 5 लोग थे, उनमें से 4 की मौत हो गई और मर्डर वेपन 5वें के हाथ में मिला। ये 5वां आदमी था इंस्पेक्टर सिंह, और उसके पास वजह भी थी। इन 4 लोगों की लापरवाही की वजह से 2 दिन पहले उसकी बहन की मौत हो गई। पढ़ा मैंने, इंस्पेक्टर सिंह ने अपने बयान में कहा है कि वो सिर्फ डॉक्टर त्रेहान को धमकी देने गया था अपनी सर्विस रिवॉल्वर के साथ। राइट, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ धमकाने गया था लेकिन गुस्से में आके उसने उनको मार डाला। मारने के लिए उसके पास उसकी सर्विस रिवॉल्वर थी, फिर उसके लिए उसे सर्जिकल स्कैल्पल यूज करने की क्या जरूरत पड़ी? That's right. डॉक्टर की मौत डॉक्टर के औजार से, पोएटिक जस्टिस, लेकिन इस केस में जस्टिस दिलाना हमारा काम है, so let's get on with it. अभी इंस्पेक्टर सिंह से पूछताछ कौन करेगा? तो मैं कह रहा हूं मैंने नहीं मारा उन्हें, लेकिन ये स्कैल्पल आपके हाथ में मिला इंस्पेक्टर सिंह। हाँ, ये स्कैल्पल मेरे हाथ में था, लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। बताइए। दरअसल 2 दिन पहले डॉक्टर त्रेहान की टीम ने
मेरी बड़ी दीदी को उस हॉस्पिटल में मार डाला था गलत दवाइयां देकर। गलत दवाइयां? आपको कैसे पता? आप डॉक्टर भी हैं। मैंने खुद रिसर्च किया, कई स्पेशलिस्ट से पता किया, उनका कहना है कि उन्होंने ऐसी किसी दवाई का नाम तक नहीं सुना। ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी गन लेकर उन्हें धमकाने गया, उनसे पूछने गया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। से पहले कि मैं कुछ कर पाता, लिफ्ट अचानक से 13वें माले पर रुक गई, लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले मुझे लोगों के गिरने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी और किसी ने अचानक से मेरे हाथ में कुछ थमा दिया। 15 सेकंड बाद जब लाइट आई तो मुझे पता चला कि मेरे हाथों में ये स्कैपल था और नीचे जमीन पर लोगों की लाश है। और ये स्कैल्पल तुम्हें किसने थमाया? उन चारों में से किसी एक ने? जिसने पहले तीनों को मारा, फिर खुद अपना गला काटा और फिर ये स्कैल्पल आपके हाथ में थमा दिया। Come on, Inspector Singh, you got to be kidding me. आप मेरा यकीन कीजिए, ऐसा ही हुआ था। मिस्टर सिंह, हम यकीन तभी करते अगर उस लिफ्ट में तुम पांचों के अलावा कोई छठा भी होता और वहां तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। So don't give us that crap. मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए अब काम डाउन, यकीन कीजिए मेरी बात। काम डाउन इंस्पेक्टर सिंह, काम डाउन। मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। क्यों? अब तू भी राघव की तरह चेहरे पड़ने लग गया? नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जरूर पढ़ता हूँ। तुषार क्यों नहीं पढ़ी? उनकी लाशें देखी है तुमने? चारों विक्टिम्स की बॉडी पर सिर्फ 4 प्रिसाइज कट। उसने कैरोटिड आर्टरी को इतनी सफाई से काटा जैसे कोई ट्रेन सर्जन हो। मैं सुरेजानो सिंह इंस्पेक्टर, कोई सर्जन नहीं। हाँ, लेकिन हो सकता है उसने इसके लिए तैयारी की हो, सीखा हो। डोंट फॉरगेट कि इंस्पेक्टर सिंह एक बहुत ही होनहार इंस्पेक्टर था पुलिस एकेडमी का, अ क्विक लर्नर, और एक केस के लिए तो वो अंडरकवर भी गया था जहाँ 2 महीने वो एक क्लिनिक में डॉक्टर बनकर रहा था। तब तो पॉसिबल है, मुश्किल लेकिन पॉसिबल। मुझे नहीं लगता कि ये काम इंस्पेक्टर सिंह का है। जरूर उस लिफ्ट में कोई छटा था। देखा कोई 6th आदमी, या आप कहोगे कि भूत था? शायद, क्योंकि 15 सेकंड के अंधेरे में 4 लोगों को मारना और एक को फंसा कर भाग निकलना, तो इंसान नहीं भूत ही कर सकता। गौरी, तुम किसी तांत्रिक या ओझा को जानती होगी? मेरे बुआ के पड़ोस में एक लड़की थी, उसे ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने किसी तांत्रिक को बुलाया था। अगर आप लोग कहो तो मैं। जोक था। रिवाइंड करके प्ले करो। हाँ, एक पॉज। ये मेट्रन,
ये लिफ्ट में आने के बाद निकली क्यों? क्योंकि लिफ्ट ओवरलोड हो चुकी थी, इसलिए किसी एक को तो उतरना ही था। इट्स ओवरलोड मैटरन प्लीज। आई मीन थैंक गॉड कि वो मैं थी, वरना उस लिफ्ट में मेरी भी लाश मिलती। मेरा लक था। एक्सक्यूज मी, हटाइए उसे प्लीज, हटाइए उसे। क्या वो कैंची को मेरी तरफ पॉइंट मत कीजिए प्लीज, घुमाइए, इट्स बैड लक, घुमाइए। सॉरी, बैड लक। बैड लक इस हॉस्पिटल में आ चुका है, एक दिन में हमारी इमेज डाउन हो गई है। डॉक्टर इंदर रानावत इस हॉस्पिटल का डीन हूं मैं। हाय, एजेंट राघव सीबीआई। आप लेफ्ट इन। ये कैसे? गोल्फिंग एक्सीडेंट। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मैं दंदास होता है। थैंक यू। वैसे आप उस रात कहां थे जब ये सारे मर्डर्स हुए थे? मैं अपने रूम में था। कौन सा फ्लोर? यानी कि वही फ्लोर जिस फ्लोर पर लिफ्ट में सारे मर्डर हुए थे। वैसे इंस्पेक्टर सिंह का कहना है कि उनकी बहन की डेथ एक गलत ड्रग की वजह से हुई, मेलफॉर्मिन। आप जानते हैं इस ड्रग के बारे में? या ऑफ कोर्स, ये एक नई ड्रग है, एपिलेप्सी के इलाज में इसको यूज किया जाता है। अब नाउ यू विल एक्सक्यूज मी, आई हैव गॉट मीटिंग। श्योर, थैंक यू सो मच। गोल्फिंग एक्सीडेंट, ये क्या होता है? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। अरे वो 14 फ्लोर पर एक हॉस्पिटल स्टाफ ने लिफ्ट को खुलते देखा था और इंस्पेक्टर सिंह को पकड़ा था। तुम जाके उससे मिलो, तब तक मैं लिफ्ट चेक कर लेता। देखिए, आप उनकी बात का बुरा मत मानिए, और आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई विल, थैंक्स डॉक्टर अरोड़ा। प्रीति डॉक्टर, क्या हुआ? माँ ने फिर कोई लड़का देख लिया? शट अप। इस हॉस्पिटल की मालकिन नीरजा सेठी, व्हाट अ कैरेक्टर शी इज। Damn it. तुम्हें पता है डॉक्टर त्रिहान इस हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर थे। Do you have any idea डॉक्टर की डेथ से मुझे कितना लॉस होगा? देखिए मिस एटी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन Damn it, क्या देखिए, मैंने ये हॉस्पिटल अपने डैडी की याद में इसलिए बनाया था ताकि यहाँ पे लोगों की जान बच सके और लोग उन्हें दुआएं दें, ना कि यहाँ मर्डर हो। जो कुछ भी है उसके जिम्मेदार हम कैसे हैं? क्योंकि वो एक पुलिस वाला था, अ कॉप वन अमंगस्ट यू। तुम्हें पता नहीं है मेरी पहुंच कहां कहां तक है। अगर उस इंस्पेक्टर सिंह को फांसी नहीं हुई तो मैं वो हश्र करूंगी। कैन आई लीव नाउ? एटीट्यूड। जाइए जाइए।
पिछले हफ्ते कितना नुकसान हुआ है सिर्फ मुझे पता है। प्रॉफिट और लॉस की इतनी परवाह थी तो हॉस्पिटल नहीं होटल खोलना था। जस्ट अ सजेशन। हैव अ गुड डे। काश मैं उसका चेहरा देख पाता। फिलहाल तुम अभी क्या देख रहे हो? राइड पे चलोगी मेरे साथ? राघव KGs, मतलब तुम्हारी जैसी 10। अब बोलो तुम्हारे और मेरे सिवा इस लिफ्ट में और कोई तीसरा आ सकता है? ना है तो बेहतर। राघव, what's happening? क्या हो रहा है तुमको? Are you okay? Okay, क्या? Are you okay? क्या हुआ? Yeah. क्या हो जाता तुमको अचानक? अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया था। हाँ, obviously. It was pitch dark. मुझे तो मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा था। ज्यादा अंधेरे में कोई मर्डर कैसे कर सकता है वो भी इतने सलीके से। हाँ विक्रम, हाँ हम ठीक है। ओके। तुमने विक्रम से कहकर जानबूझकर ही लिफ्ट रुकवाई थी? हाँ, वो मैं चेक करना चाहता था कि 13 फ्लोर पर कहीं और से लाइट आती है क्या अंदर लिफ्ट में, बट नो। हाउ यू गेट इट? अगर सिंह ने भी खून किया है तो वो इतने अंधेरे में 4 लोगों को कैसे मार सकता है? Impossible. Right. Lift. एक मिनट। Thank you. एक, दो, तीन, चार, पांच, मुझे मिलाकर 6। भाई साहब घबराइए मत। वैसे आप लोगों का वजन कितना है इफ यू डोंट माइंड? दिनकर कितनी बार समझाया झाड़ू इस तरह उल्टी रखोगे तो लड़ाई होती है। ये लो, तुम क्या चाहते हो कि यहाँ लड़ाई हो? हाँ बताओ मुझे क्या चाहते हो तुम? तो लड़ते रहती है, कहती है लड़ाई ना। अरे क्या क्या कहा तुमने? हाँ क्या कहा? मिठुन दास उत्तर। यस। एक व्हाट इज इट? डॉक्टर प्रेहान 67, डॉक्टर कपाड़िया 72, नर्स मदीना 51, वार्ड बॉय निशिकांत 53, इंस्पेक्टर सिंह 72 एंड मेट्रन दास गुप्ता 65। राघव ये क्या कैलकुलेशंस कर रहे हो? अरे केस में थोड़ा और वजन ला रहा हूँ रे पगले। मतलब उस लिफ्ट की लोड कैपेसिटी 405 किलो की है और उस दिन इंस्पेक्टर सिंह और मेटन दास गुप्ता को मिलाकर भी टोटल वजन 380 किलो था। मतलब लिफ्ट की ओवरलोड लिमिट से पूरे 25 किलो का। फिर भी लिफ्ट पर ओवरलोड की लाइट भी हुई, जबकि वो लिफ्ट आराम से 6 नॉर्मल लोगों का वजन उठा सकता। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि लिफ्ट में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। ये भी हो सकता है कि लिफ्ट में पहले से ही 6 लोग मौजूद हो। लेकिन लिफ्ट में तो सिर्फ 5 ही लोग थे। लिफ्ट में 5 लोग थे लेकिन लिफ्ट पे तुमसे ये थे राघव।
ये लिफ्ट की ग्रीसिंग हटी हुई है और ये ओवरहेड फैन के स्क्रूज भी लूज है। लगता है किसी ने ये स्क्रूज निकाल के वापस लगाए हैं। Someone has definitely come from this side. एक काम कर, उल्टाओ के नीचे आ जा। हाँ, अब इस तरह। एक, दो, तीन, चार। लाइट आने से पहले छू मत। आप लोग प्लीज जा सकते। थैंक यू। और इस तरह उस दिन किसी ने बड़ी चालाकी से पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पांच नहीं, चार। पांच, क्योंकि अब इस सब के बाद तो इंस्पेक्टर सिंह को फांसी होगी। नॉट इफ यू कैन हेल्प इट। गुड जॉब बॉयज। मुझे ये बैटरी केस मिला ऊपर। मेरा शक, नाइट विजन गॉगल्स जिनसे अंधेरे में देख सकते हैं। Good job, boy one. Thank you, boy two. वैसे ये लिफ्ट के ऊपर कैसे पहुंचा? देखो, इसमें 14 फ्लोर की बोले टेरेस है और उसके बाजू में लिफ्ट रूम है। वो वहां से केबल के थ्रू नीचे आए। काम किया, केबल के थ्रू वापस ऊपर गया और किसी दूसरी लिफ्ट से हॉस्पिटल के बाहर। त्रिशा मैम, मुझे सीबीआई से लॉन्ड्री के पैसे जरूर दे देना। वो क्या है ना, मैं सीबीआई एजेंट कम और मैकेनिक ज्यादा लग रहा हूं। श्योर। वेल डन बॉय वन। ग्रीस। अब क्या बोल दिया मैंने? क्या चल रहा है? लोग चल रहे हैं रात में हॉस्पिटल। हम उस रात के मर्डर के बाद का फुटेज देख रहे हैं। लॉबी में कौन आया, कौन गया, वही सब। स्टॉप। इस डॉक्टर पे ज़ूम करो। यही हमारा किलर। थोड़ी वो दूसरी लिफ्ट का कैमरा जिसमें से उतरा है। ओके। यही है वो आदमी। उस दिन टॉप फ्लोर यानी 14 फ्लोर पे उसने लिफ्ट में एंटर तो किया, लेकिन डैम इट, क्या आपकी वजह से चेहरा ढक गया है? लेकिन ये जिसे हमें ढूंढना है। एक मिनट, ज़ूम ज़ूम करा। उसके लेफ्ट हैंड की रिस्ट पर ड्रैगन का टैटू है। हाथ में जो बैग है वो एक जिम बैग है। नाम क्या है? मसल ओमेनिया। यस। क्या हुआ गाइस, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? एनीथिंग रॉन्ग? ओ हाँ, ये मसल ओमेनिया। हाँ, ये जिम जीके 2 में।
के बीच लाना बंद कर, मर्दों के बीच उठा। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, सीधे हीरो बनने नहीं। वैसे भी यहाँ हम तीन दिनों से गदा मजदूरी तो कर रहे हैं। अजमीर से थका दिया वरना। जिम देखा नहीं और सब कुछ भूल गया। चल गौरी, वो प्रिलिपोमिन की रिसर्च कंप्लीट हो गई? बस दो मिनट। हाँ ये क्या? ये क्विक हील एंटीवायरस स्कैन है। ये लैपटॉप को हर तरह के वायरस से बचा के रखता है और इसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन को सेफ रखता है। और तुम्हारे जैसे स्मार्ट एजेंट्स इसके अंदर की इंफॉर्मेशन को यूज करके कॉम्प्लिकेटेड केसेस सॉल्व करते हैं। गुड। नो प्रॉब्लम। उस जिम से पता लगाओ कि वो स्पाइडरमैन रहता कहाँ है, आखिर कहाँ भागेगा और कब तक। हाँ वैसे जिस हिसाब से वो अपना फुर्ती दिखा रहा था, ऐसे लग रहा था वो कोई जिमनास्ट है ना? राघव ये है प्रोलुपमीन की सारी डिटेल्स। मेरे और इंस्पेक्टर सिंह की रिसर्च के मुताबिक वो चेन शुरू होती है थाईलैंड से। तुषा को बुलाओ। ओके। डॉक्टर रानावत, क्या ये सच है? मैडम मुझे सीरियसली इसके बारे में कुछ पता नहीं, और अगर पता होता तो। यू इडियट, अगर इस बात का किसी को पता चला ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। डू यू इवन अंडरस्टैंड दैट? आई वांट दिस हश्ड अप। डॉक्टर त्रिहान एंड टीम का केस बंद कराओ रानावत। बंद? पर कैसे मैम, ये हमारे हाथ में नहीं है। I don't know. पुलिस के साथ कोई डील क्रैक करो, उस पुलिस वाले को फ्री कराओ। We don't want to put a case on this guy. Ranawat, end this now. End this now, Varna. Okay, ma'am. Get out. ये सही था, तूने दरवाजा वायर से खोल दिया। तुझसे तो बच के रहना पड़ेगा। पहले उसे तो ढूंढ ले जो हमसे बच रहा है। प्रतीक, लगता है घर खाली है, भाग गया होगा। चल मालिक,
मेरा शक सही था, नेशनल लेवल जिमनास्ट, अपना हुनर भी यूज किया वो भी गलत जगह। मेडिकल बुक्स निकाला। मेडिकल स्टूडेंट था तभी तो इतनी सफाई से वार किया था। राइट है ना याला। राजवीर लागू फॉर दिमाग, नाइट विजन गॉगल्स, इसे पहनकर उसने मर्डर्स किए। राजवीर लगता है एक सर्जन और है। Dead end. इस प्रतीक का बैकग्राउंड पता किया? हाँ, गुवाहाटी के आरपीएस कॉलेज का मेडिकल स्टूडेंट था और थर्ड ईयर में ही ड्रॉप आउट कर गया था। आरपीएस मेडिकल कॉलेज, यहाँ तो दो साल पहले सीमा अरोड़ा पढ़ाती थी, बता रही थी वो मुझे। देखो, चोर को पकड़ने का असली मजा उसके इलाके में जाकर है। चले सेठी हॉस्पिटल। पर राघव, दिस इज अ डेड एंड, हमारे पास कोई फर्दर लीड्स नहीं है। जरूरत भी नहीं, केस सॉल्व हो चुका है। मैं जानता हूं इस सारे खेल के पीछे कौन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? केप कातिल इसी कमरे में है। कातिल तो इंस्पेक्टर है, वो तो जेल में है। नहीं मिस्टर राणावत, कातिल इसी कमरे में। मिलना चाहेंगे उससे? छोड़ लू पेमन, वो दवाई। दवाई का काम होता है इंसान की जान बचाना, उसकी जान लेना नहीं। ये प्रोलोपामिन एक हाई बेस्ड ड्रग है जिसका दूसरा नाम है स्टूबिबोल। ये एपिलेप्सी यानी मिर्गी के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे कुछ जानलेवा साइड इफेक्ट्स भी, इसलिए इसे वर्ल्ड ड्रग एसोसिएशन ने बैन कर दिया। इस हाई बेस्ड कंपनी ने इंडिया के कई डॉक्टर्स के साथ एक डील की, वो ये बैंड दवाई अपने हॉस्पिटल में रखेंगे और अपने मरीजों पर इस्तेमाल करेंगे। प्रोलोपामिन तो सिर्फ एक ऐसी दवाई, ऐसी 1,500 और दवाइयां हैं जो बैंड और इस हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जा रही। देखिए, मुझे सब के बारे में अभी पता चला कि डॉक्टर त्रेहान इसके पीछे थे। डॉक्टर त्रेहान ने डॉक्टर कबाड़िया, सिस्टर मलीना और वार्ड बॉय निशिकांत डॉक्टर त्रेहान के साथ मिले हुए, इसलिए इंस्पेक्टर सिंह उनसे बदला लेना चाहता था। और उसने बदला ले लिया जो उन्हें मारकर। नहीं डॉक्टर राणावत, इस हॉस्पिटल में कोई और भी है जो इस रैकेट के बारे में जानता है। सितंबर 2015 को
प्रतीक नाम के एक एक्स मेडिकल स्टूडेंट और जिमनास्ट को उन चार लोगों को मारने के लिए हायर किया था। प्रतीक? यस डॉक्टर, प्रतीक जो गुवाहाटी के आरपीएस मेडिकल कॉलेज में आपका स्टूडेंट था। इससे पहले कि वो हमें बता पाता कि सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, उसे किसी ने बहरेमी से मार डाला, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने उन चार विक्टिम्स को मारा। आप लोग जानना चाहते हैं कि प्रतीक को किसने मारा? नीरजा जी, ये देखिए, प्रतीक की लाश ये किचन के फर्श पर पड़ी है, उसके सामने कुछ जमीन पर पड़ा हुआ है, क्या है बताएंगे? फोक, यानी काटा, यानी जो खून से सना हुआ है, यानी किसी ने खून भरे ग्लव्स पहनकर इसे छुआ है। क्या बता सकते हैं कि जो काटा है ये किस दिशा में पॉइंट कर रहा है? उल्टी दिशा में। करेक्ट, क्योंकि नुकीली चीजों का आपकी तरफ पॉइंट करना बैड लक होता है। इसीलिए इसे घुमाया गया। ठीक उसी तरह जिस तरह उस दिन आपको विक्रम का आपकी तरफ वो कैची पॉइंट करना पसंद नहीं है, बिकॉज इट ब्रिंग्स बैड लक। एक्सक्यूज मी, हटाइए उसे। क्या? वो कैंची को मेरी तरफ पॉइंट मत कीजिए, प्लीज घुमाइए, इट्स बैड लक। मेटन दासगुप्ता, इंसान की दो चीजें छूटनी बहुत मुश्किल, एक तो उसकी फितरत और दूसरी उसकी आदत। जब आप गुवाहाटी में थी तो प्रतीक आपके घर में रहता था ना? मैं उसकी गार्डियन थी और मेरे कहने पे ही उसने उन चारों को मार डाला। मुझे पता चल गया था कि आप उस तक पहुंच गए हो, इसलिए मुझे इस बेचारे को भी मारना पड़ा। और बच्चे, आप यहां बताएंगे या फिर सीबी ऑफिस? दवाई का रैकेट मैंने ही शुरू किया था, लेकिन सिर्फ डॉक्टर कपाड़िया को लेकर। लेकिन धीरे धीरे उसने डॉक्टर त्रेहान, सिस्टर मलीना और फिर उस निशांत को शामिल कर दिया और मुझे बाहर कर दिया। कि मैं ऐसा होने देने वाली नहीं थी, वो लोग मुझे मेरे ही प्लान से बाहर नहीं कर सकते थे। मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल इन्वेस्ट कर दिए इस प्लानिंग में। स्थाई कंपनी के साथ डील भी मैंने ही की थी। पर प्रतीक तो एक जिमनास्ट था ना, अच्छा खासा कमाता था, जाहिर सी बात है उसको पैसों की तो कमी नहीं थी। तो फिर उसने तुम्हारे कहने पर ऐसा क्यों किया? बेवकूफ था, मुझे अपनी बड़ी बहन मानता था। मैंने उसे एक झूठी कहानी सुना दी कि उन चार लोगों ने मुझे चीट किया और वो उनसे मेरा बदला लेने के लिए तैयार भी हो गया। सारी प्लानिंग मेरी ही थी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हेलो मैट्रन। वो डॉक्टर रनावत ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। इट्स ओवरलोड मैट्रन, प्लीज।
उस बेचारे प्रतीक को तो इस ड्रग रैकेट के बारे में पता भी नहीं था। ना उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता होगा कि जिस औरत को वो बड़ी बहन मानता है वही उसे मारेगी। मैथुन दास गुप्ता, आपको प्रतीक का मर्डर और चार विक्टिम्स का मर्डर प्लान करने के जुर्म में हम गिरफ्तार करते हैं। मैथुन दास गुप्ता, चीजें चाहे उल्टी रखी हो या सीधी रखी हो, बैड लक उल्टा काम करने से ही आता है।